हेलो एंड वेलकम टू फाइव टॉकिंग पॉइंट्स पावर्ड बाय गोबी पेंट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, द फाइनल मैच ऑफ पाकिस्तान ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। वैसे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन इस मैच की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें जानकारी मिलेगी मिर्जा इकबाल बेग साहब से। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा। पाकिस्तान और आयरलैंड दोनों ही वर्ल्ड कप में अब नहीं रहे, लेकिन आज का मैच फिर भी लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस होगी आज, उधर से शायद कुछ ऐसी चीजें पता चले जो आगे पाकिस्तान की टीम में या हम देख रहे होंगे या हम नहीं देख रहे होंगे। क्या ख्याल है आपका? देखिए, आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जीता था T20, आपको याद होगा, जो आयरलैंड में सीरीज हुई थी। और आयरलैंड की टीम बुरी टीम नहीं है। अगर आयरलैंड फर्ज कीजिए उसका यूएसए के साथ मैच हो जाता तो फिर आयरलैंड के चांसेस ज्यादा हो जाते, लेकिन पाकिस्तान की टीम बिल्कुल गिरी हुई टीम है इस वक्त। तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं रही। और आप अंदाजा लगाए ना कि कप्तान बाबर आजम के 90 रन हैं, फिर उसके अलावा रिजवान भी इतने कामयाब नहीं रहे, बॉलिंग के शोबे में भी आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। और अब खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इस मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। तो पाकिस्तानी टीम जो है ना, उसका मोरल डाउन है, गिरी हुई टीम है, बहुत तनकीद हुई, बड़े डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने आप देखें 3 फाइनल खेले T20 वर्ल्ड कप के, और पाकिस्तान एक दफा जीता है, 2 दफा हारा है फाइनल। उसके अलावा पाकिस्तान ने 2010 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2012 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, फिर 2021 के, तो 3 सेमीफाइनल 3 फाइनल। एक ऐसी टीम कि जो T20 की जबरदस्त टीम कहलाती है, उसकी इतनी मायूसकुन कारकर्दगी से न सिर्फ ये कि शायकीन क्रिकेट जो है दिल बर्दाश्त है, बल्कि टीम के खिलाड़ियों की भी जो बॉडी लैंग्वेज पता चल रही है, जो मुझे वहां से पता चला है कि खिलाड़ी भी बड़े डिजेक्टेड है कि ये क्या हो गया। मतलब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के इस ग्रुप से, बहुत सब आसान ले रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया चले जाएंगे, लेकिन यूएसए चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज के मैच में पाकिस्तान को अपने आंसू पोंछने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी पेश करना होगी, ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है, हम अमरीका से हार गए, हम भारत से करीब आकर हार गए, लेकिन हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। तो लेट्स सी आज क्या होता है। बारिश की भी सुना है पेशगोई की गई है, और आईसीसी ने हमजा जिस तरह के मैचेस रखे हैं, स्केड्यूल जिस तरह से तरतीब दिया, कल आप देखें ना कि 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा कि कब इंग्लैंड और नमीबिया का मैच शुरू हो। तो इसलिए लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया का, जो इंग्लैंड और नमीबिया का मैच शुरू हो ना, और लग यही रहा है कि पाकिस्तान के लिए बारिशों की वजह से भी इस टूर्नामेंट का हुस्न खत्म हो गया। फिर जो इन्होंने 20 टीमें रखी, उनमें ऐसी टीमें क्वालिफाई करके आई, युगेंडा, कभी आपने उसका नाम नहीं सुना होगा T20 के हवाले से, फिर युगेंडा, नेपाल, फिर उसके अलावा नमीबिया तो खैर खेल ही रहा है, ओमान भी खेल रहा है, बहुत सारी ऐसी टीमें कि जिनकी कोई इतनी वर्थ नहीं थी, तो उसकी वजह से भी फर्क तो पड़ा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, ताकि कम से कम पाकिस्तानी सर उठाकर तो वतन वापस लौटे। ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर सके, होता है क्रिकेट में, बट आई होप कि पाकिस्तान आज अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हुई, जाहिर है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो ऐसी बातें भी हुई कि सर्जरी होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि शायद टीम में तब्दीलियां हो, मैनेजमेंट में तब्दीलियां हो। तो आपको लगता है कि आज के मैच में कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके ऊपर थोड़ा सर्कल नज़र आता है कि शायद ये आगे टीम का हिस्सा शायद ना रहे ड्यू टू देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस, वो अगर आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपको लगता है कि वो आगे फ्यूचर में पार्ट रहेंगे? मतलब ये फिक्स्चर जो है, इतना इम्पोर्टेंस इसको है इस फिक्स्चर को? नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोशिश करेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा उनपे क्रिटिसिज्म हो रहा है। जैसे आप इफ्तिखार अहमद की एग्जाम्पल ले लें, आप शादाब खान की एग्जाम्पल ले लें, आप इमाद वसीम को ले लें, मोहम्मद आमिर की मिली जुली कारकर्दगी, कोई इतनी गैर मामूली कारकर्दगी नहीं रही जिस लेवल के वो बॉलर हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छे नोट पर इस टूर्नामेंट को खत्म करें, लेकिन चाहे कोई 100 भी कर ले, मुझे नहीं लग रहा कि वो बच जाएगा ऑपरेशन से, क्योंकि जो माइंड नजर आ रहा है पीसीबी के चेयरमैन का, बल्कि कहा यह जा रहा था कि आज जैसे 16 को मैच है तो 17 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन चूंकि ईद उल अजहा आ गई है 17 को, तो मेरे ख्याल में वो 20-21 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसमें नई तब्दीलियां जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि कप्तान तब्दील किया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी खत्म की जाएगी, 8-9 खिलाड़ियों को घर भेजा जाएगा। शायद आपको याद हो हमजा, के ना याद हो,
2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में गई थी, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ था, पाकिस्तान सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। और जब वापस आई टीम तो कई खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, जिसमें वकार यूनुस, इंजमाम उल्हक, शोएब अख्तर, फिर सईद अनवर ने रिटायरमेंट ले ली थी, बहुत सारे खिलाड़ियों को, और एक नई टीम बनाई गई थी, उसके कप्तान राशिद लतीफ बने और उस टीम को सेलेक्ट किया, चीफ सेलेक्टर उस वक्त आमिर सोहेल को बनाया गया। और उस वक्त जो खिलाड़ी नए आए वो बाद में पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन भी बने, जिनमें मोहम्मद हफीज थे, उमर गुल थे, यासिर हमीद, इमरान फरहत, शब्बीर अहमद, बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स कि जो उस वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद 2003 के पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। तो अब लग यही रहा है कि इस डिबैकल के बाद पाकिस्तानी टीम में मेजर चेंजेस होंगी और कई खिलाड़ियों को या तो आराम कराया जाएगा, आराम कराने के बहाने यानी कि उनको टीम में नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, और कई खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन एक चीज जो सामने आई थी वो ये भी आई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तानी को नहीं छेड़ा जाएगा। क्या इस डिसीजन को आपको लगता है कि ये इतने चंद महीनों में ही रिवर्स कर दें या चेंज कर दें? बिल्कुल हो सकता है। आप देखें ना, कोई तवक्को कर रहा था कि शाहीन आफरीदी 5 T20 में कप्तानी करके वतन वापस लौटेगा और उससे कप्तानी ले ली जाएगी। बाबर आजम के कुछ हल्के बहुत उनके सपोर्टर्स भी हैं, कुछ उनके खिलाफ भी हैं। आप देखें, बहुत दफा ऐसा हुआ है, 1982 में जब इमरान खान पहली मरतबा गए, उन्होंने कप्तानी नहीं की हुई थी इंग्लैंड के टूर पर, हम इंग्लैंड में लॉर्ड्स टेस्ट जीते और फिर इमरान खान एक कामयाब कप्तान की हैसियत से सामने आए। मिसबाह उल हक की आप एग्जाम्पल ले लें, 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, उसके बाद कई खिलाड़ी जो हैं वो चले गए, शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, सलमान बट समेत कई खिलाड़ी जो हैं उन पर केसेस बने, तो अचानक मिसबाह उल हक जो पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं थे उन्हें घर से बुलाकर कप्तान बना दिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी मुत्तहदा अरब अमारात में। तो ऐसी कई एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है। 79 का इंडियन टूर था जब आसिफ इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो बहुत सारे सीनियर्स के होते हुए जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया गया, तो बहुत सारी वसीम अकरम को 1993 में आप देखें वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया, और वो जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई, तो ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ कुछ पता नहीं कब दिन हो जाए कब रात हो जाए, यू कांट से एनीथिंग, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है। चले जो हो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए, हम तो यही दुआ करेंगे। सर मैच की तरफ वापस चलते हैं, क्या टीम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आज आप पाकिस्तान का? देखें, दो खिलाड़ी ऐसे हैं बेचारे मासूम जो क्रिकेट की बस के तनहा मुसाफिर की तरह बस में सफर करते हैं, गाने सुनते हुए जाते हैं लेकिन खेलते नहीं है बेचारे। वो इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, पिछले टूर पे तो अब्बास आफरीदी को खिला दिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी, मुझे लग रहा है कि शायद इनको मौका मिले, क्योंकि अब तो इस मैच की बहरहाल कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप आयरलैंड से हार जाते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी, तो सोच समझ के ये टीम का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन मेरी जाती राय में अब इन दोनों को मौका देना चाहिए। बहुत हो गए ये तमाशाई का किरदार अदा करते करते, ये भी थक गए होंगे, तो अब इनको चाहिए कि इनके आजमा लें, हालांकि जंग लग चुका होगा इन दोनों को, लेकिन आजमाया जाए, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और सर प्रेडिक्शन क्या है आज आपकी, कौन जीत रहा है मैच? देखिए, पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम है जख्मी शेर की तरह वापस आएगी, मोरल तो डाउन है पाकिस्तान का, लेकिन आई होप सो पाकिस्तान और आयरलैंड का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, 2007 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर का आपको याद होगा आयरलैंड ने हराया, आयरलैंड के बेशतर उस वक्त क्रिकेटर जो थे वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, वो पार्ट टाइमर्स थे जो जॉब करते थे, कोई पोस्टमैन था, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोई कहीं फाइनेंस में काम करता था, जिस तरह यूएसए की टीम में, तो आयरलैंड की टीम ने उस वक्त हराया, लेकिन अब आयरलैंड की टीम एक प्रोफेशनल टीम बन गई है, उसको स्टेटस भी मिल गया आईसीसी की जानिब से टेस्ट का, तो मुझे लग रहा है कि आयरलैंड जो है वो टफ टाइम देगा, लेकिन पाकिस्तान चूंकि ऑन पेपर भी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान ज्यादा मजबूत टीम है और बोलिंग भी पाकिस्तान की बेहतर है, तवक्को मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आयरलैंड को हराएगा, लेकिन ये बात जहन में रखें कि आयरलैंड इतना आसान जो हदफ नहीं होगा, कि ये तरने वाला साबित नहीं होगा, पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी। ऑल राइट सर, बहुत शुक्रिया सर अपने टाइम का। सो दिस इज इट फ्रॉम 5 Talking Points पावर्ड बाय गोबी पेंट्स। अपने होस्ट अमीर हमजा आसिफ को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान का अब क्या बनता है आज के मैच में, मैच के बाद ही पता चलेगा। सी यू, खुदा हाफिज़।